बसों से यात्रा करने वाले हजारों मुसाफिरों के लिए बड़ी खबर है। पिछले दो महीने से बस ऑपरेटर और प्रशासन के बीच चल रही खींचतान पर जबलपुर कोर्ट का नया आदेश आ गया है, जिससे सागर में लाखा बंजारा झील के किनारे स्थित डॉक्टर हरि सिंह गौर मुख्य बस स्टैंड से अब यात्री बस नहीं पकड़ सकेंगे, क्योंकि यह बस अड्डा अब खत्म कर दिया गया है। द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साई वाटिका के पास भोपाल रोड सागर अब नया ठिकाना और नया बस स्टैंड न्यू आरटीओ कार्यालय के पास से ही बसों का संचालन किया जाएगा। नए स्टैंड पर जाने के लिए कलेक्टर के द्वारा जो पहले आदेश में रूट का निर्धारण किया गया था, अब उसी को मान्य किया गया है। इसके मुताबिक बहेरिया तिराहा से प्रवेश करने वाली यात्री बसें रूट क्रमांक 1 टीकमगढ़ छतरपुर दमोह जबलपुर की ओर जाने वाली यात्री बसें मकरोनिया होते हुए बमहोरी तिराहा से आरटीओ कार्यालय के पास स्थित न्यू बस स्टैंड तक पहुंचेंगी। रूट क्रमांक 2 भोपाल विदिशा खुरई बीना जैसीनगर की ओर से आने जाने वाली लहदरा नाका भोपाल रोड से प्रवेश करने वाले यात्री बसें भोपाल रोड स्थित नव निर्मित बस स्टैंड से एवं मोतीनगर चौराहा से धर्माश्री होते हुए राजघाट तिराहा से आरटीओ कार्यालय के पास स्थित नव निर्मित बस स्टैंड से चलेंगी। रूट क्रमांक 3 ग्वालियर झांसी ललितपुर मालथौन की ओर आने जाने भैसा तिराहा बाईपास से बहेरिया फोर लेन से बमहोरी तिराहा से आरटीओ वाली यात्री बसें कार्यालय के पास स्थित नव निर्मित बस स्टैंड से चलाई जाएगी। गढ़पहरा तिराहा से प्रवेश करने वाली यात्री बसें भैंसा तिराहा से मंडी बाईपास होते हुए भोपाल रोड पर स्थित नवनिर्मित बस स्टैंड परिसर से चलेंगी। बमहोरी तिराहा से प्रवेश करने वाली यात्री बसें रूट क्रमांक 4 नरसिंहपुर रहली की ओर से आने जाने वाली यात्री बसें बमहोरी तिराहा से आरटीओ कार्यालय के पास स्थित नवनिर्मित बस स्टैंड परिसर से चलेगी। द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस साई वाटिका के पास भोपाल रोड सागर मध्य प्रदेश।